महाराज स्वामी श्री निरंजन देव तीर्थ जी महाराज। उस समय में तो सोना जैसे मिट्टी में हो, पारखी व्यक्ति उसमें से टकोल के उठा के देखता है तो हाँ ये सोना है। गुरुदेव कहाँ समाज में थे उतने, लेकिन उस समय में भी ऐसा नहीं है कि कहाँ कोई, लेकिन गुफा में, गुफा जैसी स्थिति में। लेकिन पूज्य स्वामी निरंजन देव तीर्थ जी महाराज ने कितने लोग थे, वाद विवाद की चला बहुत दिनों तक, संघर्ष आदि भी कि हाँ ये आ रहे हैं ये आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने पारखी होके गुरुदेव का निरीक्षण परीक्षण किया। वो आने वाले समय में हमारी स्थिति भी ये स्थिति है कि कुछ करने की इच्छा नहीं करती, एक इच्छा करती है कि हाँ कहीं किसी से मिलने की नहीं, कोई व्यवहार करने की इच्छा नहीं करती। और फिर कई बार जोश ऐसा आता है कि समूचे भारत को जैसा स्वधर्म परायण भारत होना चाहिए वैसा करके रखूं, ऐसा भी जोश आता है। और वो भगवान जहाँ ले जाना चाहे जैसा ले जाए, लेकिन अपनी तरफ से ऐसी स्थिति रहती है कि हाँ जय श्री राम। हर हर महादेव। हिंदू राष्ट्र संघ के सप्तम महाधिवेशन के इस पवित्र कार्यक्रम में उपस्थित हम सभी अब जगतगुरु भगवान शंकराचार्य महाभाग के इस पट्टाभिषेक महामहोत्सव में स्वामी श्री निर्विकल्पानंद सरस्वती जी महाराज, स्वामी श्री सर्वेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज, श्री नर्मदारण्य सरस्वती जी महाराज, श्री धरानंद सरस्वती जी महाराज सहित सभी मंत्रस्थ विद्वान महापुरुषों के कर कमल से अब हम निवेदन करेंगे कि हिंदू राष्ट्र गीत के साथ हम सभी इस पवित्र अवसर में श्रीमद् जगद्गुरु भगवान का विशाल पुष्पहार से मंगलमय अभिनंदन करेंगे हिंदू राष्ट्र गीत के साथ। और हिंदू राष्ट्र की आप सब लोग खड़े नहीं होंगे, सब बैठे रहेंगे, जो मंत्रस्थ महापुरुष हैं वे ही एक साथ संगठित होकर के जगद्गुरु का मंगलमय माल्यार्पण करेंगे। जगद्गुरु जी की भावना के अनुरूप यह क्रम नहीं है, लेकिन हम सभी शिष्यों की हठधर्मिता ही इसको मान लें, लेकिन फिर भी हम सभी के भाव की रक्षा जगद्गुरु करते हैं करेंगे। तो मैं यही निवेदन करूंगा श्री चरणों में कि इस क्रम की अनुमति हम लोगों को मिले, और मैं सभी मंत्रस्थ महापुरुषों से निवेदन करूंगा कि वे एक साथ श्रीमद् जगद्गुरु भगवान का विशाल पुष्पहार से मंगलमय अभिनंदन करेंगे। हिंदू राष्ट्र की जब पुष्पहार समर्पित किया जाएगा उस समय बजेगा ताली के साथ, ताल के साथ ताली बजाएंगे और सभी इस अभिनंदन कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। उसके बाद हम सभी जगद्गुरु का मंगलमय मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। श्रीमद् जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की हर। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हिंदू राष्ट्र हम हिंदू
दिवस है, मैं निवेदन करूंगा कि पुष्प हार स्वामी जी को समर्पित कर स्वामी जी का अभिनंदन करें। हर हर महादेव। पदवाक्य प्रमाण पारावार पारिणा
यमनियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योगानुष्ठान तपश्चर्या चरण चक्रोर्मिण अनाद्य विच्छिन्न गुरु परंपरा प्राप्त वैदिक धर्म प्रचार परायण निखिल निगमाय नम सारहृदया सर्वतंत्र स्वतंत्राय परापर विद्या विद्योदितांतःकरणाय सन्मदस्थापनाचार्याय वर्णाश्रम सदाचार शिक्षकाय श्रीमत् धर्म साम्राज्य प्रतिष्ठापनाचार्याय श्रीमन् महाराजा हिराज गुरु मंडलाचार्याय सासुद सार्वभौम विश्वजनीन सनातन धर्म संरक्षण बद्ध परिकराय समस्त संप्रदाय समन्वय साधन दत्त चित्ताय विविध विरदा भरिविराजमान मानोन्नताय महोदधिवासिन श्रीमज्जगन्नाथ धर्मलाम्बोपासकाय पूर्वांगाय श्री गोवर्धन मठ भोगवर्धन पीठाधीश्वराय श्रीमदराज राजेश्वर श्री शंकराचार्य श्री निरंजन देव तीर्थ स्वामी वर्य चरण कमल भृंगायमान अनंत श्री विभूषित निश्चलानंद सरस्वती स्वामी वर्य विजयंते धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज जी की श्री जगन्नाथ महाप्रभु की श्री सुभद्रा अखंडो भारत 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 हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे Keli jalan mai
जय जय गोपाल जय
गोविंद जय जय गोपाल जय जय दोनों ही कारण से वेदांत का प्रस्थान के अनुसार
जगत के निर्माता जगत रूप में समुन्नति भगवत तत्व ही सिद्ध है वेदांत प्रस्थान के अनुसार। अगर हम भगवान को जगत का निमित्त और उपादान दोनों कारण न माने तो भगवान वस्तुकृत परिच्छेद होने से नहीं होंगे। जो नित्य होता है वह काल का अमित नहीं होता, इसलिए उसको कालकृत परिच्छेद शून्य मानते हैं। जो विभु होता है देशांतर से कवलित नहीं होता, वह देश परिच्छेद देशकृत परिच्छेद से शून्य माना जाता है। जो सर्वोपादान सर्वाधिष्ठान होता है वह सर्व रूपों में समुन्नसित होने के कारण वस्तुकृत परिच्छेद शून्य है। अतः अनंतता की सिद्धि के लिए तीनों प्रकार से भगवत तत्व का विश्लेषण निरूपण आवश्यक है। भगवान कालकृत देशकृत वस्तुकृत परिच्छेद निर्मुक्त होने के कारण अनंत है। सत्यम ब्रह्म ज्ञानम ब्रह्म आनंदो ब्रह्म आनंदम ब्रह्म अनंतम ब्रह्म। भगवत तत्व सच्चिदानंद स्वरूप ही सिद्ध होता है। गोष्ठी के माध्यम से तत्व को उद्घाटित किया गया कि जो नास्तिक प्राय होते हैं ईश्वर का अस्तित्व स्वीकार नहीं करते, वे कहते हैं ईश्वर कौन है। उत्तर देना चाहिए कि आपकी चाह का विषय ही ईश्वर है। प्रत्येक जीव जिसको चाहता है, प्रत्येक जीव की चाह का जो विषय है उसी का नाम सज्जनों ईश्वर है, परमात्मा है, भगवान है। हम मृत्यु से अतिक्रांत जीवन चाहते हैं, मृत्युंजय होकर नित्य होकर रहना चाहते हैं, उसी का नाम तो ईश्वर है। हम मूर्खता अज्ञता जड़ता से अतिक्रांत ज्ञान स्वरूप चिन्मात्र होकर चिन्हूप होकर से रहना चाहते हैं, उसी का नाम तो परमात्मा या भगवान है। हम दैहिक दैविक भौतिक तापो से अतिक्रांत आनंद स्वरूप होकर से रहना चाहते हैं, उसी का नाम तो परमात्मा भगवान या ईश्वर है। एक विचित्र बात है, अगर विश्व में जल का अस्तित्व न हो तो किसी बंदे को प्यास न लगे। प्यास का लगना जल के किशोर से सत्य को उद्भाषित करता है कि जल का अस्तित्व अवश्य है, पानी का अस्तित्व अवश्य है। इसी प्रकार कोई सच्चिदानंद तक हो ही नहीं तो सचित आनंद होकर शेष रहने की भावना जीवों के हृदय में ना हो। वाच्यार्थ की दृष्टि से यह विचार करना चाहिए कि हम सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान होकर ही रहना चाहते हैं। अभिप्राय यह हुआ कि तत्पद का लक्ष्यार्थ और वाच्यार्थ के प्रति ही निसर्ग सिद्ध हमारे चित्र में आकर्षण है, इसलिए अपने मौलिक स्वरूप को पहचान कर जन्म और मृत्यु का अनाज अलस्य परम्परा का अत्यंत उच्छेद कर्तव्य है, दायित्व है। श्रीमद् भगवद गीता के पांचवें अध्याय का अनुशीलन करने पर यह तथ्य डंके की चोट से समुद्भाषित होता है कि यह कैता सर्वो यम सामने से मना यह दौसम समय ब्रह्म तस्मात ब्रह्म के स्थिता। नास्तिक श्रोमणियों की दृष्टि में ही, भौतिकवादियों की दृष्टि में भी जगत जो है सदोष विषम ही है। अनात्मक कपन को सदोष विषम मानना ही पड़ता है। भौतिकवादी भी जगत को अनात्मक प्रपंच को सदोष विषम मानते हैं। यह दोष असम तो केवल परमात्म तत्व ही है। इसलिए भगवद गीता के पांचवें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण चंद्र परमाणु कल सुदासन भगवान का उपदेश संदेश है, आदेश है। उन्होंने जीवन काल में ही पुनर्भव पर जिया से प्राप्त कर ली, जिनका मन सकल सदोष विषम अनात्मक प्रपंच से प्राप्त होकर निर्दोष सम परमात्म तत्व में सन्निहित हो गया। एक विचित्र बात है, गाढ़ी नींद में विशेषता क्या है। अहमिकट प्रसुप्ते श्रीमद्भागवत के कालसस्कंद का अनुशीलन करने पर यह तथ्य उद्भाषित होता है कि अहमिति के सो जाने पर सुसुप्ति दशा या गाढ़ी नींद की प्राप्ति होती है। गाढ़ी नींद में द्वंद और दुख की प्राप्ति और व्याप्ति दोनों ही नहीं होती। आजकल हम कहते हैं मियाँ की दौर मस्जिद तक मुराना मान होली है। द्वंद्व और दुख की दौर जो है अहमिति तक अहम जो सो जाता है, बीजावस्थापन्न हो जाता है,
बाहरी लिंग में तो द्वंद और दुख दोनों की प्राप्ति और व्याप्ति नहीं होती, लेकिन द्वंद और दुख का बीज अज्ञान को शेष रहता है। उस अज्ञान को तत्व ज्ञान रूप अग्नि से भून डालने की योग्यता हमारे जीवन में हो तभी जीवन सार्थक हो सकता है। इसलिए अनात्मक प्रपंच से उपरक्त होकर आत्मानुसंधान आवश्यक। आजकल हम भगवत पाल शिवावतार शंकराचार्य के द्वारा भाष में जो तत्व भाषित किया गया उसको धनके की चोट से स्थापित करते हैं सावधान। प्राय लोगों के हृदय में भावना होती है कि वैराग्य से घाटा होगा, लेकिन शंकराचार्य महाभाग ने छांदोग्य उपनिषद के भाषण में धनके की चोट से तत्व को भाषित किया कि अनात्मक प्रपंच ही वैराग्य का विषय है। आत्मा को परम प्रेमास्पद होने के कारण, परमानंद स्वरूप होने के कारण वैराग्य का विषय हो ही नहीं सकता। नवारे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। अन्यों में प्रीति आत्मा के लिए, आत्मा में प्रीति किसी अन्य के लिए नहीं। पंचदशी काल विद्यारण स्वामी ने सत्य को उद्भाषित किया कि अश्रुति अनुवादिका है, श्रुति श्रुति नहीं है। श्रुति कहते स्वतंत्र राम को, अगर प्रत्यक्षाधिक प्रमाणों के द्वारा, इतर प्रमाणों के द्वारा अधिगत पदार्थ को ही श्रुति कहती है तो श्रुति अनुवादिका हो जाती है। इसलिए श्रुति श्रुति। एक दिन हमने उदाहरण दिया था शिव पुराण के अनुसार उत्तम कोटि के ब्राह्मण कौन है, ब्राह्मण 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 कुल में जन्म हुआ तो ब्राह्मण को कहना ही पड़ेगा विशेष, और विशेषण भी ब्राह्मण हो तो उत्तम कोटि के ब्राह्मण, सोने में सुगंध है ब्राह्मण ब्राह्मण। श्रुति श्रुति का अर्थ क्या है, प्रत्यक्षाधिकर प्रमाणों के द्वारा अधिगत पदार्थ का बोल ही श्रुति करावे। द्वैत प्रपंच में ही या द्वैत के प्रतिपादन में ही श्रुतियों का चरम तात्पर्य सिद्ध हो, श्रुति अनुवादिका हो जाएगी। इसमें विचित्र बात है, जीवन को सार्थक करने के लिए दो तत्व हैं, वो दोनों वेदार्थ हैं, धर्म और धर्म। इस रॉकेट कंप्यूटर एकदम मोबाइल के बुने भी धर्म और ब्रह्म से उपरांता संभव नहीं है। अथा तो धर्म जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, पूर्वोत्तर मीमांसा का प्रारंभ धर्म और ब्रह्म के प्रतिपादन की भी भावना से ही हुआ। मीमांसा का अर्थ होता है पूजित विचार, हमने संकेत किया। ये जो भौतिकवादी होते हैं उनकी मान्यता होती है कि वेदांत शास्त्रों को मानने परम संकीर्णता के शिकार हो जाएंगे, लेकिन बुरा न मानो होली है। जितने व्यक्ति भौतिकवादी हैं चेतना विशिष्ट शरीर को आत्मा मानते हैं, कहने को भौतिकवादी उनको पंचभूतों का ज्ञान है क्या, आध्यात्मिक व्यक्ति को पंचभूतों का विशेषज्ञ होता है, भौतिकवादियों को तो पंचभूतों का भी ज्ञान ठीक से नहीं होता। दूसरी बात यह है इंद्रियों की गति केवल वर्तमान तक होती है, जितना विशिष्ट शरीर को ही आत्मा मानने वाले जितने भौतिकवादी हैं तो उनकी दृष्टि केवल वर्तमान तक सीमित रहती है, लेकिन वेदांत शास्त्रों के द्वारा भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में जो पदातीत अव्याकृत परमात्म तत्व का भी अधिगम होता है। यत्र कालातीतं भवति ओंकार एव भूतं भव्यं भविष्यं च सर्वं वेदात् प्रसिद्ध्यति। मांडूक उपनिषद और अनुस्मृति के वचनों को हमने संबोधित किया। अध्यात्मनिष्ठ व्यक्ति की विशेषता क्या है, तैतृय उपनिषद में मनोनिष्ठ वेदांत शास्त्रों को माना गया है, क्योंकि मन की गति भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में होती है और कालातीत अव्याकृत परमात्मा में भी होती है। इंद्रियों की गति केवल वर्तमान तक सीमित रहती है, इसलिए इंद्रियात्मवादी चेतना विशिष्ट शरीर को आत्मा मानने वाले संकीर्ण होते हैं, उनकी दृष्टि वास्तव में कालातीत परमात्मा का तत्व तक पहुँच ही नहीं पाती। अब तक के प्रकरण का सार निकला कि सनातन धर्म में हमारे वेदांत शास्त्रों के अनुसार जो जीवन यापन है
उसने तो स्वार्थ परमार्थ की सिद्धि के लिए स्वतंत्र रूप से स्वार्थ को जो स्थान ही नहीं प्राप्त है और कलम इसकी तो बोली भाषा में व्याख्या करते हैं, हम शयन करते सनातन घर में तो देवी देवता को योग निद्रा लाभ करा करके शयन करते हैं, जगते हैं तो देवी देवता को योग निद्रा से जगाने की भावना से जगते हैं, स्नान करते हैं तो देवी देवता को स्नान कराने की पात्रता संबंधित करने की भावना से करते हैं, हमारे यहाँ भोजन बनता है तो देवी देवता को भोग लगाने के निमित्त से बनता है, हम भोजन करते हैं तो देवी देवता को भोग लगा करके भोजन करते हैं, गृहस्थ है पत्नी आ गई तो लक्ष्मी स्वरूप है, पति मिल गए तो नारायण स्वरूप है, साथ क्या है पति को उपासना हमारा सकल व्यवहार पति को उपासना को लेकर चलता है, ग्रंथ में परमात्म तत्व में मनोनिवेश हो सके इसीलिए जीवन मनुष्यों का शरीर मनुष्य कल्याण को प्राप्त हुआ है। आजकल हम एक बात कहते हैं, एक विचित्र तथ्य है, ये जितने स्थावर प्राणी है स्थावर प्राणी तो भगवत तत्व का अनुसंधान क्या करें, जंगम प्राणी जीती चिड़िया इत्यादि इनमें भी भगवत तत्व के परिमार्जन की क्षमता कमी होती है, नहीं के बराबर होती है, मनुष्य शरीर जो है वो कर्मायतन भोगायतन ज्ञानायतन तीनों है, हमको आपको जो जीवन प्राप्त हुआ है हम जगत का भी श्रवण कर सकते हैं, चाहे तो ईश्वर का भी श्रवण करते हैं कर सकते हैं, जगत का भी मनन कर सकते हैं, चाहे तो ईश्वर का भी मनन कर सकते हैं, जगत का भी ध्यान कर सकते हैं, ईश्वर का भी ध्यान कर सकते हैं, आत्मा व आर्य कर्तव्य कर्तव्य मंतव्य विधिध्यास कर्तव्य, इसलिए भगवत तत्व का परिमार्जन होना चाहिए, भगवत तत्व में मनोनिवेश होना चाहिए, जिसका मन भगवान में सन्निहित हो गया वो भव सिंह से पार हो जाता है। आजकल हम एक तथ्य और भी उद्भाषित करते हैं शास्त्र के अनुसार वैखरी वाक, कभी जो मैं बोल रहा हूँ को भी सर्जनिया नाम कंठा हृदय और नाभि मंडल को भी ले लें तो 10 संस्थानों के द्वारा मैत्री वाक की निष्पत्ति होती है, मनोनिष्ठ वाक्य का नाम मध्यमा वाक है, मनोनिष्ठ जो वाक है उसको मध्यम, मनोनिष्ठ वाक जब बुद्धिनिष्ठ हो जाए उसी का नाम पश्चिमी है, आत्मचेतन से अधिष्ठित अव्यक्त में जाकर बुद्धि सहित अव्यक्त वाक सन्निहित हो जाए उसी का नाम परा है, भगवान नाम का संकीर्तन अर्थानुसंधान पूर्वक करना चाहिए, भगवान नाम का संकीर्तन वैखरी वाक से जो करते हैं भव सिंह में था पाने की उनको योग्यता प्राप्त हो जाती है, मध्यमा वाक से करते हैं भव सिंह के पार जाने की क्षमता उनको प्राप्त हो जाती है, और अगर कहीं पश्चिमी वाक से भगवान नाम पाठन संधान पूर्वक जब करते हैं तो भव सिंह सुख जाता है, तभी मैंने कहा था पश्चिमी वाक का अर्थ क्या है, योगी जिस वाक से देखते हैं उसका नाम पश्चिमी भरद्वाज ऋषि इत्यादि देखे तीन काल जाना करना समाना, जिस वाक से योगी वाक से देखते हैं जिस वाक से योगी देखते हैं उसका नाम पश्चिमी है, परा वाक तो कहना ही क्या, हमारे जीवन में वैखरी वाक के अभिव्यक्ति के मूल में मध्यमा वाक पश्चिमी वाक परा वाक का सन्निवेश होता ही है, लेकिन इन पर ध्यान न केंद्रित करने के कारण भगवाटवी में भटकते रहते हैं, भगवत वर्जन के लिए ही पूरा जीवन समर्पित होना चाहिए, तदर्थे चिंतन उससे घाटा नहीं है लाभ ही लाभ है। अब तक के प्रश्न का सार क्या हुआ, हमारे पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट स्वामी कृपाती महाराज के संबंध में पूज्य स्वामी कल्याण महाराज कहा करते थे, मरते लोक में भूमंडल पर आजकल धर्म और ब्रह्म के मर्मज्ञ अगर कोई है तो स्वामी कृपाती जी समग्र वेदार्थ जी के जीवन में सन्निहित है, और एक विचित्र बात है, नेहरू जी
भारत को समीप के रंग में रंगना चाहते थे। उस समय में कारागार में रहने पर भी पुजुर्देव ने मार्क्स माधव रामराज नामक ग्रंथ लिखा जो गीता फिर से प्रकाशित है। नेहरू जी ने विद्वान मनुष्यों को दिया राहुल सांकृत्यायन इत्यादि को। राहुल सांकृत्यायन ने अपनी मेधा शक्ति की सीमा में उसका खंडन किया। नेहरू जी ने राहुल सांकृत्यायन के द्वारा खंडन का निरीक्षण करवाया। अंत में नेहरू जी का वाक्य था, राहुल तुमसे खंडन नहीं हो सका। अगर मार्क्स माधव रामराज गुरुदेव न लिखते नेहरू जी के समय में ही भारत कम्युनिज्म के रंग में रंग गया होता। बुरा न मानो होली है, पूज्य स्वामी वामदेव जी महाराज कहा करते थे। नास्तिक श्रवण नेहरू जी के सामने और आस्तिक श्रवण स्वामी कलकाती जी ना होते तो देश हकानी कहाँ चला जाता। समझना चाहिए, हमने संकेत किया। पूज्य गुरुदेव का जीवन बहुत दिव्य, 24 घंटे में केवल डेढ़ या दो घंटे शयन करते थे, विश्राम करते थे। आप नकल मत कीजिएगा, मैं भी नकल नहीं करता। दुर्गा सप्तशती कंठस्थ संपुट पाठ 2.5 घंटे शीर्षासन में करते थे। 2.5 घंटे में संपुट सहित दुर्गा सप्तशती का पाठ करते थे। ऐसे मनुष्य इन्होंने धर्मसंघ की स्थापना की। धर्मसंघ है एक वेदांति जी थे हमारे गुरु भाई, उन्होंने मेरा नाम रखा था गुरु। तो हमने हंसते हुए कहा, धर्मी स्वामी तुम्हें पहले कहा था, लेकिन उन्होंने मेरा नाम रखा गुरु। ही हमने कहा गुरु ही हमको तो कहते हैं, आप शास्त्रार्थ चुनौती नहीं देते। एक विचित्र बात है, यहाँ भी पुराने व्यक्ति पर बहुत कमी है धर्मसंघ के व्यक्ति। हम तो 1958 से लेकर 82 तक गुरुदेव के संपर्क में रहे हैं। 1958 में सबसे पहले हमने दिल्ली में गुरुदेव का दर्शन किया था। तिहार में उनके सानिध्य में ही सुरक्षा अभियान में भी हम थे। हमने संकेत किया, क्या संकेत किया, गुरुदेव ने एकांत में कहा कि मैंने धर्मसंघ की स्थापना किस उद्देश्य से की, रामराज की स्थापना किस उद्देश्य से की, तुम्हें मालूम है। ये दोनों संस्थाएं किधर चली गई, इस पर तुम निश्चय डालो और मौलिक स्वरूप को उद्घाटित करो, करना ये आदेश था उनका। तो मैं काम करता हूँ, लाल भूषण पांडे जी आदि को मालूम है, शास्त्रार्थ की चुनौती नहीं है, लेकिन जो कहता हूँ शास्त्रार्थी के शास्त्रों का तात्पर्य तो व्यक्त करता हूँ, किसी को शास्त्रार्थ की चुनौती नहीं है। पुरानी भाषा है, माँ का दूध पिया हो छाती में बाल हो तो गिर जाए। इससे हुआ क्या, उस समय आवश्यकता अपने भी पढ़ाए, इसलिए दर्शन विज्ञान व्यवहार तीनों में सामान्य साथ करके तथ्य साबित करता हूँ। तो कमीज की धारा में बहने वाले भी सबसे ज्यादा हमारे तथ्य आलोचक बनकर भी समझ। तो कार्य करने की शैली लक्ष्य तो ठीक है, लेकिन लक्ष्य को देशकाल परिस्थिति के अनुसार ऐसे सिद्ध करें उसके लिए विधा का अनुसंधान भी आवश्यक है। हमने संकेत किया, चित्रकूट में भगवान रामभद्र को भक्तवत्सल समझ कर श्री वशिष्ठ जी ने संकेत किया, भरत जी कुछ विनय करने वाले हैं, आप उपेक्षा पूर्वक नहीं आदर पूर्वक भरत जी के भावों को सुनिएगा। भरत विनय साधन सुनिए करिए विचार माहौल करिए लोक साधमत निगमिशोर। आपका जो निर्णय हो भरत जी जो कहें आत्मोत्तर मत मांगिए,
आदर पूर्वक सुनिए, प्रेक्षा पूर्वक मत सुनिए, लेकिन विचार भी कीजिए। विचार बिंग दिया वशिष्ठ जी ने, साधु मत, लोक मत, शास्त्र मत, राज मत, इन सब में सामंजस्य साध करके आपको निर्णय लें। भरत विनय सागर सुनिए, कलिय विचार बाहोर, कलिय लोक मत, साधु मत, निपनय निगम निचोर, राज मत, निगम निचोर, शास्त्र मत का भी समाधान हो। आजकल हम संकेत करते हैं, सफल हम सब होंगे जब देश काल परिस्थिति का ज्ञान होगा, दर्शन विज्ञान व्यवहार में सामंजस्य साध करके कुछ कहेंगे। एक गीता सुब्रह्मण्यम है, ईश्वर ने वैज्ञानिक ऋषि हैं, वैज्ञानिक हैं, उन्होंने उससे कहा प्राइमरी कक्षा के बच्चों के बीच में जाने से बहुत घबराती हूँ, मोबाइल माता बच्चे ऐसा प्रश्न कर देते हैं, मेरा लिखना पढ़ना तो चौपट हो जाता, मुँह बंद हो जाता, हाल चाल अपने आप से कुछ बन के घूमते रहे वो बात अलग है। प्राथमिक कक्षा का बच्चा भी एक प्रश्न कर दे तो बड़े बड़ों के मुँह बंद हो जाते हैं, इसलिए यह भी ध्यान रखना चाहिए कि देश काल परिस्थिति को समझ करके फिर दर्शन विज्ञान व्यवहार तीनों दृष्टियों से सामान्य साथ करके करेंगे, कहीं से कोई दूरी नहीं उठेगी, अनावश्यक संघर्ष नहीं बोल लेना चाहिए। समझे एक दूसरे प्रभात आजकल मैं कहता हूँ, सेवा के लिए ही जो संस्था बनती है सेठों के पॉकेट में जाकर समा जाती है। रामकृष्ण केवल सेवा की भावना से जो संस्था बनती है ज्यादा दिनों तक नहीं करते, शोषक जो धनी वर्ग होता नहीं, जो शोषक धनी वर्ग होते हैं उनके पॉकेट में जाकर वो संस्था समा जाती है। केवल संघर्ष के लिए जो संस्था बनती है शिवसेना के तमाम धर्म हो जाते हैं, बहुत सी संस्थाएं बनी केवल संघर्ष के लिए, केवल सेवा के लिए करते नहीं है, सिद्धांत के आधार पर जो संस्था बनती है टिका आवश्यकता करने पर संघर्ष भी सेवा भी, लेकिन सेवा या संघर्ष के नाम पर ही संस्था बनेगी टिकाऊ नहीं होगी, ये हमने समझे। दूसरी बात का लक्ष्य वेद, लक्ष्य वेद ये जितने राजनेता है मालूम है लक्ष्य वेदी वाण में ये निपुणी प्राय जो मुख्य राजनेता है मोदी आदमी विरोधी नेता ये क्या है, शब्द वेदी वाण में निपुण होते हैं, शब्द वेदी वाण बता दो दोनों शब्दों के माध्यम से इन्होंने अपना उल्लू सुधार कर लिया, समाज को काम होता है, दो शब्द क्या है, सवर्ण असवर्ण श्रमजीवी बुद्धिजीवी आदिवासी आदि, और राजनेताओं को फर्क पाना बहुत कठिन है, ये शब्द वेदी बाण के द्वारा समाज को गुमराह कर देते हैं, अपना उल्लू सुधार कर देते हैं, हमने छह शब्दों का प्रयोग किया, सवर्ण असवर्ण अपनी जगह है लेकिन उनमें भेद डाल करके चुनाव लड़ते हैं, सवर्ण असवर्ण फिर क्या होता है, बुद्धिजीवी श्रमजीवी श्रमजीवी बुद्धिजीवी फिर क्या करते हैं, आदिवासी और आगंतुक तिलक इत्यादि भी बह गए, क्या व्यास वशिष्ठ इत्यादि यहाँ के मूल निवासी नहीं थे, आदिवासी सब तो भयंकर शब्द है ना, क्या व्यास वशिष्ठ इत्यादि यहाँ के मूल निवासी नहीं थे, तिलक इत्यादि बह गए आदिवासी और आगंतुक, इसलिए हमने संकेत किया राजनेताओं की कूटनीति को परख पाना बहुत कठिन है, शब्द वेदी वाण के द्वारा समाज को दिशाहीन कर देते हैं, इसलिए राजनेताओं की चाल को समझना चाहिए। और एक उचित बात है, आजकल की जो प्रक्रिया है चुनाव जीतने की या चुनाव लड़ने की, उससे तो भव्य भारत की संरचना ही नहीं हो सकती है, पार्टी को इतनी दक्षिणा दें आजकल की भाषा में डोनेशन दें तो टिकट मिले, इतने आतंकवादियों का साथ मिले तो चुनाव, नहीं तो हमारे भारभूषण जी की भी क्या अराजक तत्वों का
साथ जाए और सारा बन जाए। अब वो लाखों रुपया पार्टी को चटका कर या पार्टी के संस्थापक होकर लाखों रुपया समाज से लेकर अराजक तत्वों को पाल करके जो मान लीजिए जीत भी गया, कहीं उसी की पार्टी ने सरकार बना भी ली, 5 साल की अवधि में 2 वर्षों तक उसको जमने भी लग गया, 2 वर्ष आगे चुनाव में जीत लेके इलाके उसके चले जाते हैं। 1 वर्ष में भी जिन लोगों ने चुनाव जिताया उनको चटाने में उसका चला जाता, कुछ भी नहीं करता। इसके वर्तमान में जो चुनाव की पद्धति है उसे प्रदेश का कल्याण हो ही नहीं सकता है। और एक भ्रम को दूर करने की आवश्यकता है, लोकतंत्र के नाम पर उन्माद तंत्र है या नहीं, जिसको हम राजतंत्र कहते हैं, अंतर्गर्भित प्रजातंत्र लोकतंत्र था। महाभारत संशीलन के लिए मंत्रिमंडल में 4 शिक्षाविद संयत ब्राह्मण हो, 8 क्षत्रिय हो रक्षा के विशेषज्ञ, 21 वैश्य हो शिष्य गौरक्ष वाणिज्य के, शिष्य गौरक्ष वाणिज्य के प्रकल्प को संतुलित रखने वाले, अर्थक व्यवस्था को असंतुलित न रखने वाले, संतुलित रखने वाले, 3 शून्य हो कुटीर उद्योग लघु उद्योग सेवा और श्रम के प्रकल्प को संतुलित रखने वाले, एक शुद्ध सांस्कृतिक मंत्री। महाभारत का अध्ययन करने पर सिद्ध होता है ना, जिसको हम राजतंत्र कहते हैं उसमें लोकतंत्र प्रजातंत्र समाहित था या नहीं, प्रत्येक वर्ग का प्रतिनिधित्व था या नहीं। और महाभारत का अध्ययन के लिए लड़ाकू कौन महाभारत लिखा है, कौन भीड़ पिराज जो परंपरा से लड़ाकू कौन, सेना में धन को भी राजा भक्ति करे, बहुत बढ़िया उदाहरण है। खानदानी कुल परंपरा से क्षति तो वही थे ना, राम जो लगा बाकी सेना एकता सही कोल वहाँ के बंदर भाग में सब राम जी की बहुत बढ़िया विशेषता हुई या नहीं, अयोध्या से सैनिक बनाने पड़ेंगे, बाहर भी बटोल दिया राम जी की नीति देखिए, राम जी की लोग खानदानी करते थे वैकल्पिक सैनिकों के द्वारा मैंने सारा काम कर लिया, रावण जैसे प्रभावी और प्रतापशाली व्यक्ति पर विजय भी प्राप्त कर लिए, हमने संकेत किया। अब हम संकेत करते हैं, आज तक संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने हमारी बात पर ध्यान दिया, उनको संकेत करके हमें कुछ वाक्यों को बोला था। पर्यावरण की चर्चा वह 50 वर्षों से अधिक चल रही है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ऊर्जा के जो स्रोत हैं विकास के नाम पर विकृत ना हो दिशाहीन ना हो, इसी का नाम पर्यावरण है। आजकल महायंत्रों के चपेट में आकर महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार उपयोग होने के कारण पृथ्वी जल तेज वायु भेजो ऊर्जा के स्रोत है मुख्य रूप से 4, आर्थिक नास्तिक वैदिक अवैधिक वैसम्मत के 4। वैज्ञानिक तो आकाश को समझ ही नहीं पाया, तो इसका या क्या क्या कहते हैं, आकाश का ठीक से ज्ञान वैज्ञानिकों को अभी भी नहीं हुआ, पृथ्वी आदि का ठीक से ज्ञान नहीं है। फिर भी हमने ऊर्जा के जो स्रोत है मुख्य रूप से आस्तिक नास्तिक वैदिक अवैधिक वैसम्मत पृथ्वी जल तेज वायु महायंत्रों का आविष्कार और प्रयोग होने के कारण चारों के चारों इतने क्षुब्ध कुपित हो गए हैं, चंद्रमा की सतह भी कई मीटर ढक गई है या नहीं, चंद्रमा की सतह भी ढक गई विभीषिका है। इसलिए मनुस्मृति 11:63 के अनुसार महायंत्र प्रवर्तनम शासन समिति का दायित्व है कि महायंत्रों के प्रवर्तन को प्रतिबंधित रखे, हम लोग तो चौंक जाएंगे, महायंत्र के द्वारा ही सब विकास आजकल। और एक बुरा नमान हो रही है, मोदी जी अब नहीं बोलते, पहले उन्होंने कहा स्मार्ट सिटी, उससे संतोष नहीं हुआ तो कह दिया स्पिरिचुअल स्मार्ट सिटी, महानगर को आजकल विकास का मापदंड मानते या नहीं, महानगर में शुद्ध मिट्टी सुलभ है क्या, अब तो गांव की मिट्टी को भी विकसित करने का प्रकल्प चल पड़ा, लेकिन महानगर में शुद्ध मिट्टी सुलभ है क्या,
शुद्ध पानी सुलभ है क्या? चंद्रमा और सूर्य की रश्मियाँ भी विकृत होकर आती है नहीं? गैस चूल्हा से तो कोई प्रकाश भी भोजन विषय बनी रहा है। महानगर में शुद्ध मिट्टी सुलभ नहीं, शुद्ध पानी सुलभ नहीं, शुद्ध प्रकाश सुलभ नहीं, शुद्ध पवन सुलभ नहीं, चतुर आकाश सुलभ नहीं, शुद्ध मनोभाव सुलभ नहीं, शुद्ध मुस्कान सुलभ नहीं, संयुक्त परिवार सुलभ है। संयुक्त परिवार सुलभ नहीं, पर कुल देवी सुलभ नहीं, कुल देवता सुलभ नहीं, कुल आचार सुलभ नहीं, कुलोचित विचार सुलभ नहीं। घुमा फिरा कर विकास के नाम पर क्या हुआ? चौबे गए छबे होने, डूबे भी नहीं रह गए। संतान उत्पन्न करने और भोजन करने की मशीन बना के मनुष्यों को रख दिया विकास के नाम पर। इसलिए हम कहा करते हैं कितने चिड़िया उड़े आकाश, चारा है धरती के पास। पक्षी नभो मंडल में ऊंचाई को ग्राम भर ले, जब उसको भूख प्यास लाभ होता है पृथ्वी पर आने के लिए। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने, त्रिकाला के मनुष्यों ने एक विचित्र बात, लोग समझते हैं पुराने पुराने महाभारत की रचना वेद व्यास ने सब की कैसे की? 1000 चतुर्युग में पांडवों के चरित्र दिव्य दृष्टि से दर्शन करते। देखिए कब होता है, पांडव मुख बोलते गए कृपा रहे, जैसे कुबेर इंद्र ब्रह्मा मुख बोलते गए कृपा तो रहे। 1000 चतुर्युग का दिव्य चक्षु के द्वारा दर्शन करने के बाद महाभारत लिखा गया है। 1000 चतुर्युग का है क्या? महाभारत का ही वचन है जिसको मैं हिंदी में बोलता हूँ। अब दृष्टि पर चक्षु पर ही ध्यान चला गया तो भगवद गीता में 3 प्रकार के चक्षु का वर्णन है। न तो माम चक्षु से दृष्टि माने नहीं बस पर चक्षु था दिव्यम गदामी के चक्षु पश्चिम ईश्वरम स्व चक्षु और दिव्य चक्षु मूढ़ा नाम पश्चंती पश्चंती ज्ञान चक्षु का। 3 प्रकार के चक्षु का वर्णन है या नहीं? स्वचक्षु दिव्य चक्षु और ज्ञान चक्षु। किसी पुरुष को जब हम पिता समझते हैं, भारत भूषण जी कौन कौन चक्षु हमको प्राप्त, किसी पुरुष को जब पिता समझते हैं ज्ञान चक्षु सन्निहित दिव्य चक्षु भावित स्वचक्षु। इसी स्त्री को जब हम माता समझते हैं ज्ञान चक्षु सन्निहित दिव्य चक्षु भावित स्वचक्षु के द्वारा भगवत कृपा से। अच्छा जागृत में स्वचक्षु की प्रधानता होती है, स्वप्नावस्था में दिव्य चक्षु की प्रधानता होती है और सुसुप्ति में ज्ञान चक्षु की प्रधानता होती है। जयमंत मिल जी इंदिरा जी के पिताजी महामहोपाध्याय जयमंत मिल जी कहते थे मैं थे बहुत बड़े विद्वान अभिमानी ने, वो कहते थे मुझे इतने ज्ञान है कि मैं अज्ञान को जानता।